अब यहाँ पर अश्वत्थामा पांडवों की बहु उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है परीक्षित। अश्वत्थामा ने उसी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोकर भगवान को पुकारती है। देखिए, मैंने कल भी कहा था, भगवान की कमजोरी क्या है? भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। वो रोकर भगवान को पुकारती है, भगवान ने वो किया जो भगवान ने कभी नहीं किया। भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अब सौभाग्य देखिए परीक्षित का भी, जन्म लेने से भी पहले उसने सबसे पहले दर्शन ही भगवान के किए। वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं, ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है क्योंकि भगवान अंदर है, भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं, सबसे मिलकर भगवान चले गए। यहाँ पर परीक्षित का जन्म होता है, समय निकलता है, उनको राजा बनाया जाता है, पांडव इत्यादि भी सब चले गए। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक अच्छे से अपना राज संभाला। अब एक दिन यहाँ पर उनके खजाने की सफाई हो रही है। अब खजाना किसी एक राजा को तो है नहीं, जो पिछले राजा थे वो खजाना भी अब राजा परीक्षित को ही मिला है। तो एक मुकुट निकलता है, सोने का मुकुट, बहुत कीमती, हीरे जवरातों से जड़ा हुआ। तो सेवकों ने कहा कि ये मुकुट तो हम अपने राजा को पहनाएंगे। वो मुकुट में दरअसल जरासंग नामक एक राजा का था, जो बहुत ही पापी राजा हुआ, एक कंस के ससुर हुए, बहुत पापी। उसने कईयों को मार कर लूट कर ये मुकुट बनवाया था। उसको साफ करके राजा को पहनाया गया। पहनाते ही हिंसक भाव आने लगे, जैसी संगत वैसा स्वभाव, हिंसक भाव आने लगे। उसने कहा आज शिकार खेलने चलते हैं। राजा ने कहा है जाना पड़ेगा, सब जाते हैं। अब यहां वो भटक जाते हैं। अब उसी बीच रास्ते में राजा परीक्षित देख रहे हैं कि सामने एक व्यक्ति एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है और बेरहमी से, और नीचे गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में, उसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। तो राजा ने कहा कौन है जो मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कर रहा है? उसने कहा कि तुम कौन हो? वो व्यक्ति कहे मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है, इसकी ऐसी हालत होने वाली है। राजा कहे ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो अभी मर जाना अच्छा। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले कौन सा गुण? कलयुग केवल नाम आधारा। जो पहले के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, वो कलयुग में केवल नाम जप करने से मिल जाएगी। उसको ये तो अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। बोले कहाँ जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां नशा होता है, जहां गलत संगत होती है। अब वो मन में कहे कलयुग के ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। तब उसने कहा कि एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। बोले कौन सा स्थान? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। स्वर्ण यानी सोना। राजा भूल गए, उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। राजा ने कहा ठीक है, वो प्रवेश कर गया। अब यहां राजा खेल भटक जाते हैं जंगल में। भटक गए तो एक कुटिया दिखती है, उनको प्यास लग रही है। तो उस कुटिया में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब व्यक्ति तप में है, उसको तो नहीं पता चल रहा कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो लीन है। एक दो बार तो राजा ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, जल दीजिए। जब नहीं कोई वापसी आती है तो एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल देते हैं।
ऋषि के शिष्य ने देख लिया, वो ऋषि के पुत्र से जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे राजा सा कोई दिख रहा था। पुत्र ने बिना जाने बिना समझे वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने ये हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वहां पिता तब से उठते हैं, बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा श्राप दे दिया। पिता ने कहा किसको दिया? बोले वो पता नहीं। वो नेत्र बंद करते हैं तो राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। राजा परीक्षित ने बहुत अच्छे कर्म किए थे। कहते ना, हर कथा से कथा की सीख तो है, पर हर व्यक्ति अपनी खुद की भी एक सीख निकालता है, क्योंकि सबका जीवन अलग है। तो इस कथा से मुझे जो सीख मिलती है, मैं आप सबके साथ जरूर बताना चाहूंगी कि जब उनका चेहरा आया राजा परीक्षित का, तो ऋषि उदास हो गए। ऋषि ने कहा कि ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि इसने ये हरकत कर दी? तो मुझे ये सीख मिलती है, जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो कि अपनी जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो कि अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो गलत आपको नहीं, आपके समय को ठहराया जाए। कि व्यक्ति तो अच्छा है, समय खराब चल रहा है, इतने अच्छे से जियो। तो राजा परीक्षित ने कितने अच्छे पुण्य किए होंगे कि आज इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जिसके साथ किया वो भी उनकी तरफ खड़ा है कि ये गलत नहीं है, जरूर कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो राजा परीक्षित के पास वो जाते हैं उनको बताने कि आपको ऐसा ऐसा श्राप मिला है। राजा परीक्षित ने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया। अब यहां पर सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करें कि इसको 7 दिन में मुक्ति मिल जाए। मानो भगवान ने ही कृपा करी हो, सामने से शुकदेव जी आ रहे थे। तो सभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना करी कि आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह परायण सुनाइए। वो मान गए।